हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, माइनक्राफ्ट में आपको कई तरह के मॉब देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ तो भाई मॉब बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बट यहाँ पे कुछ मॉब्स को देख के भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मॉब्स के बारे में जिनको भाई माइनक्राफ्ट के फ्यूचर अपडेट्स में ऐड होना चाहिए, और या फिर जिनको प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ऐसे मॉब्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई वीडियो अंत तक देख लेना। एंड चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियोज़ के लिए, एंड वीडियो पसंद से लाइक कर देना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माइनक्राफ्ट में आपको बहुत तरह की वैरायटी की फिशेस देखने को मिल जाती है, बट माइनक्राफ्ट में अभी तक भाई क्रैब्स को ऐड नहीं किया गया है। सो माइनक्राफ्ट को फ्यूचर अपडेट्स में जरूर से क्रैब्स को ऐड करना चाहिए। ये आपको नदी और समुद्र के किनारे पे देखने को मिलेंगे, एंड आप इसको मार के खा भी सकते हो, जिससे एक और फूड आइटम ऐड हो सकता है माइनक्राफ्ट में। सो आपको स्नोई बायो में भाई बहुत कम मॉब्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने लास्ट जो मॉब देखा था उसमें वो था पोलर बियर, एंड इसके बाद भाई मैंने कोई सा भी मॉब नहीं देखा। तो भाई माइनक्राफ्ट को स्नोई बायो में एक न्यू मॉब ऐड करना चाहिए, जिसमें से वो हो सकता है येटी। सो येटी एक गोरिल्ला जैसा दिखने वाला मॉब है, जो भाई इग्लू में रहता है। स्नोई बायोम्स में भाई इग्लू में रहेगा, एंड अगर आप इग्लू के पास जाते हो तो ये आपको अटैक भी कर सकता है। सो माइनक्राफ्ट को जरूर से येटी को भाई स्नोई बायोम्स में ऐड करना चाहिए, क्योंकि स्नोई बायोम में बहुत ज्यादा कम मॉब है, एंड ये जो है अगर ऐड होता है तो ये थोड़ा स्नोई बायोम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकता है। सो माइनक्राफ्ट में अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो 1.19 में अभी ऐड हो गई है बोट विद चेस्ट, बट अगर हमको लैंड के द्वारा ही करना है तो भाई ऐसा कोई मॉब नहीं है जो भाई हमारा सारा सामान उठा सके एंड हम एक दो जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो भाई माइनक्राफ्ट में कैमल को ऐड करना चाहिए, जिसपे हम चेस्ट लगा सकते हैं एंड उस पर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हमारा सामान को, एंड हम भी भाई उससे राइड कर सकते हैं। एंड इसके साथ अगर भाई माइनक्राफ्ट में डेजर्ट बायोम है तो भाई कैमल भी उसमें होना चाहिए। सो जैसा कि मैंने कहा कि भाई माइनक्राफ्ट के स्नोई बायोम में एक न्यू मॉब को ऐड होना चाहिए, सो माइनक्राफ्ट में आइसोलॉजर को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मॉब है माइनक्राफ्ट मॉब बोट 2020 में आया था, जिसके साथ ग्लो स्क्विड एंड मॉब ब्लूम थे। ये एक हॉस्टाइल मॉब है जो आप पे अटैक कर सकता है। ये स्नोई बायोम में पाया जाएगा, एंड ये आपके ऊपर एक आइस का क्लाउड बना के गिरा देगा, जिससे आपको बहुत खतरनाक डैमेज मिल सकता है। सो माइनक्राफ्ट में भाई एक बहुत छोटा मॉब ऐड होने वाला था, जो था सिर्फ 2 पिक्सल्स का, जो 1.19 अपडेट में ऐड होने वाला था, जिसका नाम है फायरफ्लाइज। बट इसको भाई कैंसिल कर दिया गया बाद में, क्योंकि रियल लाइफ में जो फायरफ्लाइज है वो फ्रॉक्स के लिए पॉइजनस होती है, तो ये एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था गेम पे, इसलिए भाई इसको अभी कैंसिल कर दिया गया। सो मेरा ये ओपिनियन था कि भाई भले इसको एक फ्रॉक्स का फूड नहीं बनाते, बट इसको भाई जरूर से गेम में ऐड होना था। सो माइनक्राफ्ट में आप क्रीपर को तो जरूर से जानते होंगे, एंड आप में से बहुत सारे लोग इस मॉब को हेट करते होंगे, बट क्या हो अगर इसकी भी भाई वैरायटी हो, जैसे कि एक नेदर क्रीपर। सो इस टाइप के क्रीपर भाई नेदर में ही पाए जाएंगे, एंड ये जो ओवरवर्ल्ड के क्रीपर हैं ग्रीन वाले, इनसे भाई थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होंगे। मतलब इनका जो ब्लास्ट रहेगा, ये आपके पास अगर अगर फटते हैं तो इनका ब्लास्ट रहेगा वो मतलब नॉर्मल क्रीपर से ज़्यादा रहेगा। तो बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग टाइप के क्रीपर्स की डिमांड कर रहे हैं माइनक्राफ्ट में, बट मुझे भाई ये नेदर क्रीपर थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, इसलिए भाई मैंने इसको इस लिस्ट में ऐड किया। सो माइनक्राफ्ट में बहुत पहले भाई केव्स एंड क्लिप्स अपडेट आया था, तो इस अपडेट में भाई एक न्यू मॉब ऐड हो सकता था, जिसका नाम था केव मैन, एंड ये एक आदि मानव की तरह होता है, जो भाई केव्स में रहता है एंड अपना जीवन काटता है। एंड ऐसा फीचर भी होता है कि इससे आप ट्रेड कर सकते हो, फूड आइटम ले सकते हो, एंड ये न्यूट्रल होता है भाई, अगर आप पे इसके साथ कुछ भी नहीं करते तो ये भी आपको कुछ नहीं करेगा, बट अगर आपने इस पर अटैक किया तो ये भी आप पे अटैक कर देगा। एंड स्नोई बायोम की तरह भाई डेजर्ट बायोम में भी इतने आपको मॉब्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे भाई जो डेजर्ट अपडेट आ सकता है फ्यूचर में, तो उसमें आपको मियर कैट्स देखने को मिल सकती है। अब ये जो है एक छोटी कैट टाइप की रहेगी, जो भाई डेजर्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। एंड जो ये मियर कैट है भाई, ये मंगूस फैमिली से बिलोंग करती है, कैट के जैसे ही दिखती हैं बट मंगूस फैमिली से बिलोंग करती है, एंड आप इसको फिश की मदद से भाई टेम कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई डेजर्ट में भी आपको इतने तरह के मॉब्स नहीं देखने को मिलते, तो भाई डेजर्ट में एक हॉस्टाइल मॉब्स भी होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई डेजर्ट ज़ॉम्बी होता तो है हॉस्टाइल मॉब डेजर्ट में, बट भाई वो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो डेजर्ट के लिए एक ज़ॉम्बी की तरह एक न्यू मॉब ऐड हो सकता है, जो है मम्मी। तो ये जो मॉब है भाई, ये आपको ज़ॉम्बी की तरह ही अटैक करेगा, एंड ये आपको डेजर्ट टेम्पल एंड डेजर्ट में देखने को मिलना चाहिए। सो माइनक्राफ्ट में भाई आपको एंडर ड्रैगन देखने को मिल जाता है, बट बहुत प्लेयर्स डिमांड कर रहे हैं कि माइनक्राफ्ट में एक न्यू ड्रैगन ऐड होना चाहिए, जो ओवरवर्ल्ड में रहेगा एंड
छोटे नॉच जो भाई माइनक्राफ्ट के डेवलपर है वो 2014 में उनका भी यही आइडिया था कि वो एक और ड्रैगन को ऐड करें, बट जब से वो कंपनी से हटे हैं इस आइडिया पे कुछ भी वर्क नहीं हुआ है। एंड वो एक आइडिया था रेड ड्रैगन का जो ओवरवर्ल्ड में होता है एंड आप इसको टेम भी कर सकते थे उसको हराने के बाद, एंड आप इसकी सवारी भी कर सकते थे। तो यही थे 10 मॉब्स जो भाई माइनक्राफ्ट के फ्यूचर अपडेट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं एंड जिनको भाई प्लेयर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर से कमेंट में बताना, एंड वीडियो पसंद आई तो भाई जरूर से लाइक कर देना, एंड इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।